हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। अगर आपने क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट की है या क्लास ट्वेल्थ में बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में लिया है और आप सोच रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में अपना अच्छा करियर बनाया जाए, लेकिन इस बात को लेकर परेशान है कि क्लास ट्वेल्थ अगर बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट की है या फिर क्लास ट्वेल्थ में बायोलॉजी जो है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में है तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा कि मैम, हमने क्लास ट्वेल्थ जो है वो इस साल कंप्लीट की है, बायोलॉजी जो है वो मेन सब्जेक्ट में है, मेडिकल फील्ड में हमें अच्छा करियर बनाना है, लेकिन मैम हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन से एग्जाम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से एग्जाम से हम कौन सी मेडिकल डिग्री को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम ये छोटी छोटी जो कंफ्यूजन है उन सभी को क्लियर करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अगर आपने क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है या फिर आपके क्लास ट्वेल्थ में जो बायोलॉजी है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में रहा है और आप सोच रहे हैं कि आगे चलकर मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाया जाए तो आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ही क्लास टेंथ कंप्लीट होती है और आप क्लास इलेवेंथ में जब सब्जेक्ट चॉइस करते हो और आप बायोलॉजी सब्जेक्ट को जब चॉइस करते हो तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हमें आगे चलकर मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू करना है। पड़ोसी वगैरह, दोस्त वगैरह, घर वाले सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है, ठीक है? तो ऐसा सभी मानने लगते हैं कि अगर क्लास इलेवेंथ में बायोलॉजी लिया है, क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट की है तो आगे चलकर मेडिकल फील्ड में एक अच्छा करियर जो है वो बन सकता है। आज के वीडियो में हम बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें अगर आपने क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट की है तो आप इन सभी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे, इन एग्जाम्स को क्रैक करके आप जो मेडिकल कॉलेज है आप एडमिशन ले सकते हैं और फिर मेडिकल डिग्री को वहां से कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है? तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ड्रीम्स मोटो चैनल पर मेडिकल फील्ड, नर्सिंग फील्ड, फार्मेसी, पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनको शेयर किया जाता है, ठीक है? आज के वीडियो में जो हम एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं तो उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे नीट एग्जाम के बारे में। नीट एग्जाम काफी फेमस एग्जाम है, ठीक है? और 2024 में तो और ज्यादा फेमस हो गया है, ठीक है? जिनमें स्टूडेंट्स को नहीं भी पता था तो उनको भी पता चल गया कि नीट नाम का एक एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है? नीट एग्जाम जो है सभी को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही अगर आपने क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट की है या फिर क्लास ट्वेल्थ में बायोलॉजी जो है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में रहा तो उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू करें, मेडिकल फील्ड में आप डॉक्टर बने, ठीक है, या फिर जो अदर बीएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस जो मेडिकल डिग्री हैं आप उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। नीट एग्जाम के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम नीट एग्जाम जो है वो स्टेट लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि नीट एग्जाम, नीट का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी ये जो है वो एक नेशनल लेवल पर होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है। जो भी स्टूडेंट जिनकी क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट हो चुकी है या जिनके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में क्लास ट्वेल्थ में बायोलॉजी है और वो सोच रहे हैं कि मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू किया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, तो वो सभी स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करके ऑल इंडिया में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेते हैं। स्टूडेंट जिन्हें अपना करियर जो है वो मेडिकल फील्ड में कंटिन्यू करना है तो वो सभी स्टूडेंट जो है वो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? नीट एग्जाम में आप क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? और नीट एग्जाम से आप कौन कौन सी मेडिकल डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं ये भी बहुत कंफ्यूजन का क्वेश्चन बना रहता है। तो अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस,
BNYS, BSMS और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो मेडिकल डिग्री है उनको आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड नंबर पर डिस्कशन करेंगे नेस्ट एग्जाम के बारे में। NEST, नेस्ट, नेस्ट का मतलब यहाँ घोसला नहीं है, ठीक है। नेस्ट एक एग्जाम है जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। आपके क्लास 12th में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है या फिर मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेस्ट एग्जाम जो है वो जो भी स्टूडेंट जिनको आगे क्लास 12th के बाद रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना है, ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट जो है वो इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करके NISER यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च उसमें एडमिशन लेते हैं और फिर वहां से जो अपनी BSc MSc जो डिग्री है उनको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जो भी रिसर्च फील्ड में जो भी स्टूडेंट्स को जाना है तो वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एग्जाम जो है उसमें आप क्लास 12th बायोलॉजी और मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट से पार्टिसिपेट कर सकते हो और इस एग्जाम में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस वीडियो में ये जो मक्खी घूम रही ना उसको वैसे ही इग्नोर करना जैसे आप नीट की प्रिपरेशन में फिजिक्स को इग्नोर करते हो, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर जिस एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं तो उसका नाम है एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। आप में से जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी है बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से या फिर क्लास 12th में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में बायोलॉजी है तो वो सभी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया में लगभग 18 कॉलेज हैं तो उनमें एडमिशन लेके वहां से BSc नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकती हैं। ये एक नेशनल लेवल पर होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करती हैं तो आप एम्स में एडमिशन लेके वहां से BSc नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाएंगी। ये एक नेशनल लेवल पर होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हैं तो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगी कि नहीं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कंसीडर्ड की जाती है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और GK से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप में से जो भी स्टूडेंट नर्सिंग फील्ड को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे स्टेट BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। जैसे आप में से जो भी स्टूडेंट जो भी अलग अलग स्टेट में रहते हैं बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मैम हम एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे किसी कारण से तो हम कौन कौन से एग्जाम में और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहां पर भी जो गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए जो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने स्टेट में होने वाले जो गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और उन एग्जाम्स को क्रैक करके अपने स्टेट में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेके वहां से BSc नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाएंगे। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें आप क्लास 12th बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट या फिर बायोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हो सकता है कि इंग्लिश या फिर कुछ एग्जाम में GK से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप एम्स से BSc नर्सिंग को कंटिन्यू करते हैं तो आपके जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनके क्वेश्चंस थे कि मैम अगर हमें एग्रीकल्चर फील्ड को कंटिन्यू करना है तो क्या हम क्लास 12th बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट के साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपने क्लास 12th में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर जो बायोलॉजी है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में है तब भी आप जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे ICER एग्जाम के बारे में। ICER एग्जाम जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके आप जो ऑल इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हो और फिर वहां से BSc इन एग्रीकल्चर की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो काफी करियर अपॉर्चुनिटीज उसमें बढ़ रही है, ठीक है, रिसर्च पर्पज से भी बढ़ रही है, उसके अलावा जॉब
अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी। तो अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप नेशनल लेवल पर जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसका नाम है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम, इस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस एग्जाम की सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आपके मेन सब्जेक्ट में बायोलॉजी है तब भी आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर मेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है तब भी आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें चॉइस होती है कि आपको बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है या फिर मैथमेटिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा 6th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम। जैसे मैंने अभी नर्सिंग के बारे में बताया कि अगर आप में से जो भी स्टूडेंट नेशनल लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने स्टेट में जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं या फिर जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और वहां से BSc इन एग्रीकल्चर की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम अगर हमने ICAR एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो क्या कोई और रास्ता है जिससे हम BSc इन एग्रीकल्चर के जो कॉलेज हैं उनमें हम एडमिशन ले पाए। बिल्कुल, अगर आप ICAR एग्जाम में किसी भी कारण से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने स्टेट में होने वाले जो एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, जो नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें फायदा क्या रहता है कि आप ऑल इंडिया में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपके पर्टिकुलर स्टेट में जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो आप उन एग्जाम से आप अपने स्टेट में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर कॉलेज हो, आप उनमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप BSc इन एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने स्टेट में होने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है आप उनमें पार्टिसिपेट करके आप अपने स्टेट के गवर्नमेंट BSc एग्रीकल्चर जो कॉलेजेस हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हो और BSc इन एग्रीकल्चर की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू करके एग्रीकल्चर फील्ड में एक अच्छा करियर बना सकते हो। उसके बाद 6th नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ठीक है, नेशनल लेवल पर भी वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे पहले, लेकिन अब जो है अगर आपको वेटनरी फील्ड को कंटिन्यू करना है क्लास 12th के बाद तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेटनरी फील्ड के बारे में होप्स आप सभी को पता होगा। ठीक है, जो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे पेट जो डॉग वगैरह और जो पशु पंछी हैं उनके जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनको वेटनरी डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट जिनका सपना है कि उनको वेटनरी डॉक्टर बनना है तो वो सभी स्टूडेंट जो है वो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करें और नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे ऑल इंडिया में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लें और जो वेटनरी डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो ग्रेजुएशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी कारण से आप ऑल इंडिया में होने वाले जो वेटनरी के लिए जो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया जाता है अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे तो आप स्टेट लेवल पर होने वाले वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स का मतलब मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं। स्टेट एंट्रेंस एग्जाम का मतलब है आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहां पर जो एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उनको स्टेट एंट्रेंस एग्जाम कहा जाता है। वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम भी आपके स्टेट में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो आप अपने स्टेट में होने वाले जो वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम है उनमें पार्टिसिपेट करें और उन एग्जाम्स को क्रैक करके आप अपने स्टेट में जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लें और वहां से वेटनरी डिग्री जो है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट जिनकी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी है, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट में है या फिर मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट में है और वो सोच रहे हैं कि क्लास 12th के बाद जो है वो पैरामेडिकल फील्ड को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, पैरामेडिकल फील्ड में क्या क्या आता है कि जो लैब टेक्नीशियन है, ठीक है, उसके अलावा जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस हैं, ठीक है, उसके अलावा जो मतलब BSc इन ऑप्थेमोलॉजी, ठीक है, ये सभी जो डिग्री हैं जो पैरामेडिकल फील्ड के अंडर आती हैं तो इन सभी डिग्री को आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। इस एग्जाम में आप क्लास 12th बायोलॉजी और मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पैरामेडिकल फील्ड के जो भी कॉलेजेस हैं, जैसे एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप
आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप ऑल इंडिया में जो भी एम्स के कॉलेजेस हैं वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं और वहां से पैरामेडिकल डिग्री को कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पर्टिकुलर स्टेट में भी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो आप उन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करें और फिर उन एग्जाम्स को क्रैक करके आप अपने स्टेट में जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं आप उनमें एडमिशन लें और वहां से आप जो भी पैरामेडिकल फील्ड की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उन डिग्री को वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन देखे कि मैम हमें बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को क्लास 12th के बाद कंटिन्यू करना है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन से एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को अगर आपको एज ए करियर ऑप्शन कंटिन्यू करना है तो आप एम्स के द्वारा जो बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम हर साल नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो एम्स का एग्जाम है उसको क्रैक करके एम्स में एडमिशन लेके वहां से बायोटेक्नोलॉजी जो ग्रेजुएशन है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के लिए मैं एक बात और बता दूं कि स्टेट लेवल पर भी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट बायोटेक्नोलॉजी के कॉलेजेस हैं वहां पर भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो आप उन एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आता नेशनल लेवल पर कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और स्टेट लेवल पर कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में बता दूं कि मेडिकल फील्ड में चाहे वो मतलब नर्सिंग फील्ड हो, ठीक है, चाहे फार्मेसी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, वेटनरी हो, या फिर मतलब फिजियोथेरेपी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इन सभी फील्ड में जो है वो दो टाइप के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, एक होते हैं नेशनल लेवल पर और एक जो होते हैं वो है स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल में जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें क्या रहता है कि किसी भी स्टेट से कोई भी बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, और उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि आप इस स्टेट में रहते हो तो इसी स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। नेशनल लेवल पर जो एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, एम्स बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, तो ये जो है वो नेशनल लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनमें किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं स्टेट लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम। स्टेट लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स का मतलब है जैसे मध्य प्रदेश में होने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं तो उनको स्टेट लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स कहा जाएगा, जैसे नर्सिंग में कंडक्ट करवाया जाता है एमपी पीएनएसटी, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, तो ये सभी जो है वो स्टेट लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम है। तो मेडिकल फील्ड में जो है दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं, एक नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दोनों टाइप के एग्जाम में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपका जो टाइम है वो तो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और जो भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो आपका कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जो सपना है कि आप मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू करें तो वो जरूर पूरा होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम्स की जो लिस्ट है उसमें अब हम डिस्कशन करने वाले हैं फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। आप में से बहुत से स्टूडेंट जिनको फिजियोथेरेपी फील्ड में आगे करियर जो है वो कंटिन्यू करना है तो वो सभी स्टूडेंट जो है नेशनल लेवल पर होने वाले फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन एग्जाम्स को क्रैक करके आप ऑल इंडिया में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हो और बीएससी इन फिजियोथेरेपी जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। उसी के अलावा स्टेट लेवल पर भी फिजियोथेरेपी जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं तो आप उन एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और फिर उन कॉलेजेस में एडमिशन लेके वहां से फिजियोथेरेपी जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और फिजियोथेरेपी की डिग्री जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है उसके बाद आप चाहें तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है तो आप उस हिसाब से जॉब जो है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लेवल पर जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल रहती हैं। उसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। आप में से बहुत से स्टूडेंट ने बी फार्मा का नाम सुना होगा, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्लास 12th के बाद बी फार्मा फील्ड जो है उसको कंटिन्यू किया जाए तो इसमें भी जो है वो दो टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, एक नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और एक स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे स्टेट लेवल पर जो एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं
हैं उनसे क्या होता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट करोगे, आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहां पर जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट फार्मेसी कॉलेजेस हैं, आप उनमें जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जब आप उनमें पार्टिसिपेट करोगे, उन एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे, तो आप अपने स्टेट में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट फार्मेसी कॉलेजेस हैं आप उनमें एडमिशन ले पाओगे और फिर वहां से जो बी फार्मा डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे। जो फार्मेसी फील्ड है उसमें आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन करो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो भी आगे कंटिन्यू करके जो फार्मेसी फील्ड में एक अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हो। तो क्लास ट्वेल्थ में अगर आपके बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है, तो आप इनमें से जो भी एग्जाम्स हैं जिनका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बताया, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।